बिहार के मुजफ्फरपुर में कुछ मुस्लिम परिवारों ने हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल पेश की है। यहाँ के 3 दर्जन मुस्लिम परिवारों ने पूरे देश को सामाजिक सौहार्द का संदेश दिया है। इन मुस्लिम परिवारों ने बकरीद के पहले दिन कुर्बानी न देने का फैसला लिया है। खास बात यह है कि सावन के आखिरी सोमवार होने की वजह से इन मुस्लिम परिवारों ने यह निर्णय लिया है। इनके इस फैसले की पूरे देश भर में चर्चा हो रही है। लोग इन परिवारों की तारीफ करते नहीं थक रहे। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा में पार्टी संसदीय दल के नेता आरसीपी सिंह ने कहा कि 2020 के अक्टूबर नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी युवाओं को प्राथमिकता देगी। इसके साथ ही पार्टी के सदस्यता अभियान के बारे में उन्होंने कहा कि ये फर्जी नहीं है। अनुच्छेद 370 खत्म हो चुका है और कानून बन चुका है, इसका सभी को सम्मान करना चाहिए। लोकसभा चुनाव की तरफ विधानसभा चुनाव में भी सीट बंटवारे में एनडीए में मतभेद नहीं होगा और सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगी। बिहार में कंप्लीट शराब बंद है। शराबबंदी के बीच अगर लोगों की तरफ से ये पहल हो कि शराब नहीं पीना है तो ये सरकार के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे साबित होता है कि बिहार के लोग भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शराबबंदी वाले फैसले से खुश। दरअसल बिहार के समस्तीपुर जिले के एक गाँव में लोगों की तरफ से शराब के खिलाफ एक्शन लेने की बात सामने आई है। गाँव में एक कानून बनाया गया है कि जिसने भी शराब पी या बेचा और अगर पकड़ा गया तो उस पर 51,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। गलत सूचना देकर दूसरों को फंसाने वाले अब सावधान हो जाए। अब न तो दूसरों को फंसाने का काम करें और न ही पुलिस को किसी प्रकार की गलत सूचना देकर उसका नाजायज फायदा उठाएं। सोशल मीडिया के जरिए भी फेक व गलत सूचना को वायरल नहीं करें। ऐसा कोई काम ना करें जिससे सांप्रदायिक और जातिवाद आधारित कोई तनावपूर्ण माहौल बन जाए। अगर आपकी एक गलत सूचना से किसी प्रकार का उपद्रव हुआ तो पटना की पुलिस अब आपको छोड़ने वाली नहीं। उपद्रव और गलत तरीकों से दूसरों को फंसाने वालों के खिलाफ पटना पुलिस सख्त और कड़ी कानूनी कार्रवाई करेगी। सेंट्रल रेंज के डीआईजी राजेश कुमार ने शनिवार को एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। डीआईजी ने पटना के सुल्तानगंज के थानेदार और इंस्पेक्टर सत्येंद्र कुमार शाही को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। दरअसल सेंट्रल रेंज के डीआईजी ने सख्त कार्रवाई थानेदार के लापरवाही बरतने की वजह से की है। थानेदार के ऊपर धोखाधड़ी के केस के आरोपियों को फायदा पहुंचाने का गंभीर आरोप लगा है, जिसके बाद सेंट्रल रेंज के डीआईजी राजेश कुमार ने कड़ा एक्शन लिया है।